इससे अफजल कोई दिन नहीं है और मुहर्रम के पहले दिन। ठीक है, तो इससे इसकी चौथी फजीलत पता चलती है, हुरमत वाले महीनों में ये बड़ा अफजल है। आइए इसकी पांचवी फजीलत क्या है, फिफ्थ इसकी फजीलत क्या है, वो क्या है, इस अजीम माह में कसरत से रोजे रखना मुस्तहब है, जो कि सही मुस्लिम की वो रिवायत है, अफजलुस्सियामी बाद रमजाना शहरुल्लाहिल मुहर्रम, के रमजान के बाद अल्लाह के करीब सबसे अफजल रोजे मुहर्रम है, या दूसरे अल्फाज में नफिल रोजों में सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के है। और आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हदीस में वह अफजलुस्सलाती बादल फरीजती सलातुल लैल, और सबसे अफजल सलात सबसे अफजल नमाज फर्ज नमाजों के बाद वो रात की नमाज है। तो नफिल में सबसे अफजल तहज्जुद और नफिल रोजों में सबसे अफजल मुहर्रम के रोजे हैं। यूं तो अफजलुस्सियाम सबसे अफजल रोजे बाद रमजान, रमजान के बाद कौन से, अल्लाह के महीने मुहर्रम में। हमें चाहिए इस महीने मुहर्रम में क्या करें, कसरत से रोजे रखें, कसरत से रोजे रखें, गुनाहों से बचे, नेकियों के काम में आगे बढ़े, है ना, इनके अव्वल 10 दिन के ज्यादा से ज्यादा फायदे उठाए। ये बड़ी अहम बात है, याद रखें ये बड़ी अहम बात, इसको बहुत सोच विचार करके हमें प्लान ऑर्डर में इस मंथ को जीने की कोशिश करना चाहिए, याद रखिए। लेकिन ये तब होगा जब हमको इसकी अहमियत इसकी फजीलत मालूम होंगी, याद रखिए। ठीक है, तो ये जो